ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਈਏ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੇਅਰ ਦੇ ਤਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ जन को जागरूक करना कि आज छोटी छोटे बच्चे 5-7 साल की एज में ही युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है, तंबाकू गुटखा सिगरेट का सेवन कर रही है, ड्रग्स ले रही है, तो उससे हमें बचाना है। उसके लिए हम स्कूल कॉलेज गांव-गांव में जाएंगे कठुआ शहर में, और वहां जाकर उन्हें वीडियो फिल्म के जरिए जो जिन लोगों को नशे के कारण कैंसर हो गया है और लीवर ख़राब हो जाता है, जो भयानक रोग हो जाते हैं, उसके बारे में बताते हैं, जिससे उनके अंदर एक भय पैदा होता है और वे छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इससे हॉस्पिटल में दर्दनाक मौत हो जाती है और उनके लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो ये हम उनको बताते हैं, साथ में उनको और भी मेडिटेशन भी कराते हैं। मेडिटेशन कराने से उनके अंदर एक शक्ति आती है, मन को शक्ति मिलती है। उसके सरकार एकदम से इसे बंद नहीं कर सकती, क्योंकि आज मनुष्य इसका आदि हो गया है, और अगर एकदम से बंद हो जाए तो वो पागल भी हो सकते हैं जो लोग नशे का सेवन करते हैं। तो उसके लिए सरकार ने एक नया अभियान चलाया है कि जनता को जागरूक किया जाए कि इनसे वह खुद इनको इनकी तरफ नहीं जाए, नशे की ओर नहीं जाए, और मेडिटेशन सीखे, जिससे उनको अपने अंदर एक शक्ति मिलेगी और वह इनको छोड़ सकते हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? युवाओं के लिए तो यही संदेश है कि वे युवा अपने अंदर जो सोई हुई शक्तियाँ हैं, जो देवी संस्कृति थी हमारी भारत पहले, और वह संस्कृति आज भी है, हमारे अंदर विद्यमान है, उसे हम जागृत करें। उसके लिए हम सुबह उठ के परमात्मा की याद से उस शक्ति को प्राप्त करें, ताकि हमें परमात्मा हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। उसके लिए यहाँ पर राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र।